नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी की भोपाल इकाई ने भोपाल सहित प्रदेश भर की टूटी फूटी सड़कों एवं रास्तों के खिलाफ बीमा हॉस्पिटल इंदरपुरी भोपाल के सामने रायसेन रोड पर बेशर्म के पौधे लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को बेशर्म सरकार बताते हुए मुख्यमंत्री से पूछा कि भोपाल में गड्ढों में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढे हैं। सिंह ने टूटी हुई रोड की तरफ इशारा कर बताया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश की एक भी सड़क गड्ढे रहित नहीं है। वहीं भोपाल सहित प्रदेश के सभी गांवों और शहरों में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कें तालाब और दलदल बन जाती है। पंकज सिंह ने सरकार से सवाल पूछते हुए आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाला टैक्स कहाँ जाता है। उस टैक्स का एक हिस्सा तो सिर्फ और सिर्फ सड़कें बनाने में काम में लिया जाता है। सिंह ने भाजपा को बेपरवाह सरकार बताते हुए कहा कि इनके राज में आम आदमी हर तरीके से परेशान है। उन्होंने प्रदेश के मुखिया को सचेत करते हुए कहा कि उनको होश में आना पड़ेगा, वरना 2003 में भ्रष्टाचार और बदहाल सड़कों की वजह से जैसे कांग्रेस ने सत्ता गंवाई थी वैसा ही उनके साथ 2023 में होगा और बार बार विधायक खरीदने का मौका नहीं मिलता। भोपाल से संवाददाता सहू सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेशरम सरकार, शरम करो। जी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों में और ख़ास तौर से आप राजधानी को ही देख लें, भोपाल के जो मुख्य सड़क है, ये तो रायसेन रोड है, मुख्य सड़क मानी जाती है। आप सफ़र करें तो इधर गड्ढे मिलेंगे और बीच में जहां गड्ढे हैं वहां इन्होंने डस्ट डाल दिया है तो और धूल उड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो सड़कों की हालत खस्ता है, लोग परेशान हैं। और इन सड़कों पर सरकार जनता को रियायत देने की जगह, उनको सड़कों को ठीक कराने की जगह 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 टोल प्लाजा लगा के रखे हैं। तो ये हर जगह शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार कमाई का जरिया ढूंढते हैं, जनता को कहीं कोई राहत देने का काम नहीं कर रहे, ना सड़क बनवाने का काम कर रहे। ये तो मुख्य सड़क है, इसके अलावा आप कहीं अंदरूनी सड़कों में जब आप चले जाएँ, राजधानी की सड़कों में आप देख लें तो इतनी खस्ता हालत है, जनता परेशान है। और मुख्य रूप से इस बरसात के समय तो जगह जगह एक्सीडेंट की बात, पानी भरा हुआ है, कहीं ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ है। तो शिवराज सिंह चौहान को भुट्टा पार्टी, ये पार्टियां करने, दिखावा करने की जगह थोड़ा सा सड़कों पे उतरना चाहिए, उनको ये काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। सरकार तो बड़े शिवराज सिंह चौहान और सरकार, उनकी सरकार का हमेशा दावा करना ही रहा है। उन्होंने तो बातें की थी कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर सड़कें हैं, ये उनका बयान है। वो खुद निकलते हैं सड़कों पे कि नहीं निकलते, ये बड़ा सवाल है। अपने घर जाते होंगे यहाँ से बुधनी, तो वो सड़क देख लें वो, या वीआईपी सड़कें देख लें, गड्ढे तमाम मिलते हैं। अब उनको कहाँ अमेरिका से बेहतर सड़कें मिलती हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जनता समझ रही है। इसकी वजह ये है कि हम जहाँ देख रहे हैं, भोपाल में हों चाहे मध्य प्रदेश में हों, सड़कों के गड्ढों की वजह से रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ रही है एक्सीडेंट से, और हाथ पैर हड्डियां टूट रही हैं वो अलग। कई बार आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन दिए, वार्ड वाइज भी ज्ञापन दिए हम लोग ने कि हर सड़कों का निर्माण किया जाए। किसी भी भोपाल के किसी भी वार्ड में चले जाइए, सब जगह सड़कों की यही दुर्दशा है। कईयों बार ज्ञापन देने के बाद भी ये बहरी और अंधी सरकार सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये दलाली खा के बैठे हैं जो सड़क बना रहे हैं, सड़कों पे जो सड़क बना रहे हैं वो जो हैं उनसे दलाली खा रहे हैं, और उनके बहुत सारे भाई भतीजे हैं जो सड़क बनाने में काम कर रहे हैं। किसी ना किसी के कोई ना कोई मंत्री का रिश्तेदार है जो सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है। आज सड़क बनती है, दूसरे दिन से उखड़ने लगती है, ये तो भ्रष्टाचार का हाल है। तो ऐसी बेशरम सरकार को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज सड़क के गड्ढों पर
बेशरम के पौधे लगाए हैं, जब इनके फूल उग जाएंगे तब यही बुके बना के शिवराज सरकार को हम लोग भेंट करने उनके निवास पर जाएंगे। यदि आपकी मांग, निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। अगर ये इस आंदोलन के बाद भी ये अंधी बहरी सरकार नहीं जागती है तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री घर का घेराव करेंगे। रीना सक्सेना, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, भोपाल से। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे KKR न्यूज़, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।